नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे तमाम व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को सावन की ढेरों शुभकामनाएं। 25 जुलाई से रविवार के दिन से शुरुआत हो रही है सावन महीने की। दोस्तों, ढेरों उपाय हैं जिनके द्वारा आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जन्मों जन्म के पापों का नाश कर सकते हैं। आप इस सावन महीने में जो भी चीज भगवान शिव को अर्पित करेंगे उसका सीधा सीधा फल आपको प्राप्त होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा उपाय बता दूं। दोस्तों, सावन महीने भर आप सिर्फ, जो लोग ज्यादा पूजा ना कर पा रहे हो वे लोग सिर्फ एक बिली पत्र ले जो थोड़ा कोमल हो, अच्छा हो, टूटा फूटा ना हो, कटा ना हो, ऐसा बिली पत्र लेकर के आप शिवालय में चले जाएं, ठीक है। शिव जी को जल अर्पित कर दें, उसके बाद में आप उस बिली पत्र को, यदि आप घी आप अरेंज कर सकते हैं तो थोड़ा सा घी उसमें लगा दें। घी लगाने से दोस्तों आपके पास लक्ष्मी बहाने मार मार कर आने लग जाएगी, जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी, ठीक है। कितनी बार हमें बहुत कुछ चाहता होता है हमारी लाइफ में, हम चाहते हैं लक्ष्मी हमारे पास आए, लेकिन हमारे कर्मों के बंधन, कुछ हमने ऐसे कर्म किए होते हैं कि हमारी हाथ की रेखाएं ब्लॉक हो जाती हैं, जो जहां से लक्ष्मी के आने का रास्ता है वही ब्लॉक हो जाता है। तो कितनी बार आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लक्ष्मी आपके पास आती नहीं है, या आते भी है तो बहुत लिमिट में आती है। तो ये जो उपाय है दोस्तों, इसको करके, क्योंकि भगवान शिव के आगे आप जिस चीज को जिस इरादे से लेकर के जाएंगे और उन्हें अर्पित करेंगे, वो इच्छा आपके भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। तो जो लोग ज्यादा बड़ी पूजाएं ना कर पाए वे लोग सिर्फ एक बिली पत्र रोज सावन के महीने भर लेकर के जाए और उस शिव बिली पत्र को अपने हाथ में ले, स्वच्छ उससे कर ले और शिव जी के आगे बैठ करके सिर्फ इस श्लोक को बोले, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप सहार्मेक बिल्वम शिवार्पणम। इस शब्द को बोल करके, श्लोक को बोल करके आपको वो पत्ता, बिली पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, हाथ जोड़ करके आ जाना है। बस जब आप वापस आते हैं आप किसी से कुछ ना बोले, जैसे कि आप कोई बड़ा नियम पाल रहे हैं। एक महीना आप इस क्रिया को करके देखे दोस्तों, जन्मों जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत साधारण, बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।